आज हम रिव्यू करने वाले हैं यंग कंपनी का बैडमिंटन रैकेट जिसका मॉडल नेम है P11 द ब्लैक बर्ड एंड इसका जो नेम है फ्रेम है एंड लुक है वो इंस्पायर हुआ है द ब्लैक बर्ड SR71 से। सबसे पहले आप इस रैकेट को देख लीजिए, ये आपको पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर गोल्डन एंड ग्रे कलर के पैटर्न बने हुए हैं थ्रू आउट द रैकेट। तो जो मटेरियल यूज हुआ है इस रैकेट को बनाने के लिए वो है 30 टन अल्ट्रा हाई मॉडुलस ग्रेफाइट जिसके कारण जो इसका बिल्ड क्वालिटी वो हमें काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिलता है। तो जब आप इस रैकेट को देखोगे या पकड़ के खेलोगे तो आपको काफी ज्यादा सॉलिड फील होता है। तो कंपनी ने एक कार टेस्ट किया था इस रैकेट के साथ, तो सबसे पहले आप क्लिप देख लीजिए। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि कार इजीली इसके ऊपर से चले गई एंड इसके शाफ्ट एंड इसके रैकेट के फ्रेम को कुछ नहीं हुआ, जिससे ये पता लगता है जो इस रैकेट का स्ट्रेंथ है हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ साथ एक और अच्छी बात ये है कि टेस्ट के बाद जो रैकेट का शाफ्ट है उसके ओरिजिनल पोजिशन में भी इजिली आ जाता है। रैकेट के फ्रेम की बात करें तो यहाँ आपको P11 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ टॉप में लिखा है हेड हैवी जो कि इसका बैलेंस है। वैसे बैलेंस पॉइंट की बात करें तो हमें 295 mm देखने को मिलता है जो कि डिटरमाइन करता है इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट। वैसे जब हम इस रैकेट के साथ खेल थे तो हमें स्लाइटली सा हेड अभी देखने को मिला। हेडशेप की बात करें तो हमें आइसोमेट्रिक देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो, जो प्रोवाइड करता है बिगर स्वीट स्पॉट एंड जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है इस रैकेट को बनाने के लिए वो है एंटी टॉर्जन मूवमेंट जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा रैकेट में। अलोंग विद दैट नैनोटेक एयर फ्रेम भी देखने को मिलता है जिसके कारण जो रैकेट का स्विंग स्पीड है हमें काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। ये रैकेट एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है जैसे कि आप देख सकते हो, इसके टी जॉइंट में आपको यंग का गोल्डन कलर से लोगो देखने को मिल जाएगा। ये हमारा रैकेट का शार्प यहाँ आपको सबसे पहले लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा इंस्पायर्ड बाय द डिजाइन एंड फंक्शनैलिटी ऑफ लॉक्ड SR71 ब्लैक बर्ड जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है P11 द ब्लैक बर्ड जो कि रैकेट का मॉडल नेम है। शाफ्ट को थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो यहाँ लिखा है वेट 80 ± 2 ग्राम जो कि रैकेट का ओवरऑल वेट है। वैसे जब हम इस रैकेट का वेट किए तो हमें 82 ग्राम के अराउंड देखने को मिला अनस्ट्रंग एंड विदाउट ग्रिप। स्ट्रिंग एंड ग्रिप को ऐड करने के बाद हमें 92 ग्राम देखने को मिल जाएगा ये रैकेट। आप ऐसे मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि अनस्ट्रंग माने क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ। तो जो रैकेट बिना स्ट्रिंग के होता है हम उसे अनस्ट्रंग बोलते हैं। उसके बाजू में लिखा है यहाँ बैलेंस 295 mm जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लास्ट में यहाँ लिखा है टेंशन 32 lbs माने इस रैकेट का जो मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन है वो है 32 lbs। शाफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमें मीडियम फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है। ये हमारा रैकेट का हैंडल कैप, यहाँ आपको दोनों तरफ यंग की ब्रांडिंग एंड लोगो देखने को मिल जाएगा। ग्रिप साइज की बात करें तो हमें G2 देखने को मिल जाता है। सो कुछ ब्रांड का अपना अलग अलग ग्रिप साइज चार्ट है जैसे कि यंग कंपनी का है। सो अगर हम इस ग्रिप साइज को यूनेक्स के ग्रिप साइज चार्ट से कंपेयर करें तो एक्चुअली में ये G5 है। एंड हैंडल के नीचे साइड आपको यहाँ यंग का बड़ा सा लोगो है, नीचे ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात करें तो आपको 3000 rupees के अराउंड देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो Shaurya100 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। तो अगर आप कोई किट बैग भी देख रहे हो तो आप इनका कॉम्बो ऑफर ले सकते हो, रैकेट प्लस किट बैग वाला, जो आपको 3600 rupees टोटल देखने को मिल जाएगा कूपन कोड के बाद 3500 rupees। एक्चुअली में जो किट बैग का प्राइस है वो आपको 1300 rupees के अराउंड देखने को मिलता है, लेकिन जब आप ये रैकेट के साथ लोगे तो वो आपको 5600 rupees के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो किट बैग है उसमें आपको 2 major compartments देखने को मिल जाएगा एंड एक छोटा सा शू कंपार्टमेंट अलग से। तो चलिए अब हम इस रैकेट से खेल लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर लेता हूँ। तो गाइज मैं कभी भी जब कोई नए रैकेट को टेस्ट करता हूँ तो मैं पर्सनली खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ उस रैकेट को लेकर। एंड इसी एक्साइटमेंट के चलते मैं अपने रैकेट को अपने चश्मे के फ्रेम में मार बैठा। इससे हल्का सा कट मेरे जरूर आ गया नोज में, लेकिन उतना ज्यादा कट नहीं था, बस चश्मा पहनने में दिक्कत हो रहा था। एंड उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, पेन भूल गया। बैडमिंटन जब वैसे भी हम खेलते तो सब कुछ भूल जाते हैं, तो ये छोटा सा था तो उतना कोई दिक्कत नहीं आया।
सो गाइस फाइनली हमने ये रैकेट से खेल लिया और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं इस रैकेट को पकड़ा या जब इस रैकेट से खेल रहा था तो थोड़ा सा सॉलिड फील मुझे देखने को मिला। एंड जैसे कि मैं आपको बताया ये स्लाइटली सा हेडवी टाइप का बैडमिंटन रैकेट है, तो शॉर्ट लेग स्मैशेस एंड क्लियर टॉस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा इस रैकेट में। रैकेट की स्विंग स्पीड की बात करें तो थोड़ा उतना ज्यादा स्मूथ नहीं लेकिन मीडियम हमें देखने को मिल जाता है। ऑल्दो ये 80 ग्राम का रैकेट है लेकिन वेट शिफ्टेड होने के कारण स्विंग स्पीड हमें इसमें भी डिसेंट देखने को मिलता है। आप इसे सिंगल्स एज वेल एज डबल्स के लिए यूज कर सकते हैं। डबल्स में अगर मोस्ट ऑफ द टाइम बैक ऑफ द कोर्ट खेलते हो, अटैकिंग खेलते हो, तो ये रैकेट आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। बाकी जो रैकेट की क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है। बिल्ड क्वालिटी सच में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस रैकेट का। एंड कंट्रोल की बात करें तो जब आप फ्रंट ऑफ द कोर्ट खेल रहे हो या मिड कोर्ट से शटल को प्लेस कर रहे हो नेट पे, तो थोड़ा सा कंट्रोल मुझे इसका डिसेंट देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको बताया इस रैकेट का जो वेट शिफ्टेड इसके हेड में है, तो थोड़ा सा डिफेंस करना मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइप के रैकेट को, लेकिन इस रैकेट में मुझे वो चीज देखने को नहीं मिली। काफी इजिली डिफेंस हो रहा था शटल। ये था मेरा एक्सपीरियंस इस रैकेट को लेकर। अगर आपने ये रैकेट लिया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना।